स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 स्टडी हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने समझा था कि कम्युनिकेशन का मींस क्या होता है। कम्युनिकेशन का मींस क्या होता है, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब हम अपने आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उनकी बात को हम समझते हैं और उनको अपनी बात कहते हैं, इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। इसके हमने मींस पढ़े थे क्या क्या चीज़ें होती है, ईमेल, फ़ोन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और तीन कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, उसमें था पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। द टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया वाज क्लोज्ड इन जुलाई 2013। इंडिया ने क्या किया, टेलीग्राम सर्विस जो थी इसको क्लोज कर दिया। कब करा, 2013 जुलाई में। अब आज हम जो कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, पोस्टल, टेलीकॉम, मास कम्युनिकेशन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पोस्टल कम्युनिकेशन फर्स्ट, वी कैन सेंड लेटर्स, एनवलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स एक्सेट्रा थ्रू पोस्ट ऑफिस। हम क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं, क्या क्या भेज सकते हैं, लेटर को, एनवलप को, ग्रीटिंग कार्ड को, पोस्ट कार्ड को, किसके थ्रू भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। आपने देखा होगा सर, रेड कलर का बॉक्स होता है, हाँ। वी ड्रॉप अवर लेटर्स इन लेटर बॉक्स, ये जो रेड कलर का बॉक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स। इसमें हम अपना लेटर ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देन द पोस्टमैन कलेक्ट्स इट फ्रॉम हेयर, फिर क्या होता है, पोस्टमैन आता है और यहाँ से कलेक्ट कर लेता है सारे, फिर एरिया वाइज जो अरेंज कर लेता है। After arranging them, he sends it to our relatives or friends. क्या करता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी लेटर हो से ये रेड बॉक्स जो लेटर बॉक्स होता है इसमें ड्रॉप करना है। इसके बाद पोस्टमैन आके इन सभी लेटर्स को कलेक्ट करता है और अरेंज करता है एरिया वाइज, और फिर जिसे भी पहुँचाना होता है, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, सब तक ही एड्रेस के अकॉर्डिंग पहुँचा देता है। वी कैन यूज कॉरियर और स्पीड पोस्ट टू सेंड अर्जेंट लेटर्स, अगर हमें कोई अर्जेंट लेटर भेजना है तो हम कॉरियर का और स्पीड पोस्ट का हम यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट अ टेलीफोन और मोबाइल फोन दीज डेज, आजकल के ज़माने में, आजकल के दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लाइफ है बिना मोबाइल और टेलीफोन फ़ोन के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि बिना बात मोबाइल के हम रह सकते। आप सभी भी नहीं रह सकते। अच्छा, आप लोग अभी पढ़ाई भी किससे कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। टेलीफोन्स और इसके बिना हम लोग रह भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते रहने का। टेलीफोन्स आर द फास्टेस्ट, ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज, सबसे फास्ट जो है वो क्या है, टेलीफोन और मोबाइल, जो कि ईजी भी है और कॉमन भी है और सबसे ज़्यादा जल्दी बात भी यही करा देता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं टेलीफोन पर किसी न किसी से कम्युनिकेशन होता ही होगा आपका। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू टेलीफोन टू अवर रिलेटिव्स विद इन सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे रिलेटिव से सेकेंड में, सेकेंड्स में हम कॉल लगा सकते हैं, सेकेंड्स में कल कट कर सकते, तो बहुत ईजी है ये। मोबाइल फ़ोन्स आर नाउ कॉमन एनीवेयर, और मोबाइल फ़ोन्स भी क्या है, बहुत कॉमन है, सभी के पास देखने को मिल जाते हैं, आप भी देखते होंगे आपके घर में। देयरफॉर नाउ इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, और अब देखो टेलीफोन होता तो एक ही जगह पड़ा रहता है, पर जब मोबाइल फ़ोन से हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, तो ट्रैवलिंग में भी ये इजी वे में यूज़ हो सकता है। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS आल्सो, और हम किसी को SMS करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। फैक्स मशीन इज कनेक्टेड थ्रू फोन लाइन्स एंड आवर फैक्स कैन रीच इंस्टेंटली, फैक्स मशीन जो है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, फ़ोन लाइन्स के, जिससे कि हमारा जो भी फैक्स है उसको हम इंस्टेंटली जल्दी से हम पहुँच जाता है। ए फैक्स इज रिटर्न मैसेज, फोटोग्राफर और लेटर, ए फैक्स इज ए रिटर्न मैसेज। फैक्स में क्या कर सकते हैं, रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं और लेटर भेज सकते हैं, और ये सब आप किस पे पॉसिबल हो चुका है, मोबाइल पे भी, जिसमें भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पोस्टल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड पढ़ा कि क्या करता है, पोस्ट बॉक्स में अपने को, लेटर बॉक्स में हमें लेटर वगैरह जो भी अपने को सेंड करना है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं, इसके बाद पोस्टमैन आके ले जाता है और सब तक पहुंचा देता है। दूसरा हमने पढ़ा टेली कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, इसके बाद हमने फैक्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम थ्रू मास कम्युनिकेशन,
यानी कि एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को जो चीज़ बता सकते हैं उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। अब आप देखेंगे न्यूज़पेपर एक ही बार प्रिंट होता है और वो सब लोगों तक पहुंच जाता है, तो अपनी बात हम कह सकते हैं उस पर। दूसरा रेडियो, रेडियो भी एक ही जगह चलता है और सब लोग उसे सुनते हैं, बोलने वाला बंदा एक ही, सुनने वाले बहुत सारे। और टेलीविज़न, तो ये होता है मास कम्युनिकेशन की एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अपनी बात बताना। कंप्यूटर्स, द इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब क्या होता है, ईमेल एंड इंटरनेट आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट दो मीन्स है कम्युनिकेशन के, जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो और ये दोनों किसके थ्रू चलते हैं, कंप्यूटर के। वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन है कम्युनिकेशन का। वी कैन सेंड ईमेल्स, वीडियोस, लेटर्स, फोटोग्राफ्स थ्रू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के थ्रू ईमेल भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं। वी कैन टॉक टू रिलेटिव्स थ्रू वेब कॉम ऑन कंप्यूटर, और हम अपने रिलेटिव से इस पर टॉक कर सकते हैं, किससे, वेब कॉम से। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। PCO स्टैंड्स फॉर पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक कॉल ऑफिस। STD stands for subscribers, trunk dialing and ISD. ISD क्या होती है, stands for international subscribers dialing. तो ये आपको फुल फॉर्म से रखी, PCO की होती है पब्लिक कॉल ऑफिस, STD की होती है स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड ISD की होती है स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ये आपको लर्न करनी है। थैंक यू।